दीपांशु जी देखिए, ये काउंटर में एक ब्रेकआउट आया था 850 के ऊपर और उसी को रीटेस्ट किया है 950 के करीब जाने के बाद। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये 850 और 840 के आसपास का जो जोन है यहाँ पर सेटल हो जाएगा और वहां पर फिर से एक बार के लिए बाइंग देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वहां पर 200 दिन का इसका मूविंग एवरेज भी है। तो एक पुल बैक जैसा समझता हूँ मैं, ये जो प्राइस एक्शन आ रही है इसमें, तो यहाँ पर 850 के नीचे जब जाता है तो एक बार के लिए बाइंग के लिए जरूर देखना चाहिए काउंटर को। चलिए, तो वो राय आती हुई इप्का लैब में मेटल स्पेस